अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक कैसे हैं आप सब दुआ करती हूँ सब बिल्कुल खैरियत से हों तो यहाँ पे हमारी तरफ जो है ना मौसम काफ़ी ठंडा हुआ हुआ है और बारिशें भी हो रही हैं वैसे भी हर वक्त होती रहती हैं लेकिन अभी बारिश हो रही है तो मैंने सोचा आज मज़ेदार सा खाना बनाते हैं चलें जी मेरे साथ किचन में चलें।, चलें अभी खाना बनाते हैं मौसम जो है वो इस तरह का हुआ हुआ है अभी पर्दे में बराबर कर देती हूँ क्योंकि ना अभी बड़ी ठंड आने लग गई है यहाँ पे काफ़ी ठंड आ रही है खिड़कियों से भी ऐसे लगता है ठंड ही आ रही है ये है मेरे किचन का हाल क्योंकि एक तो मैं सारा स्टोव साफ़ कर रही हूँ बर्तन मैंने निकाले हैं खाना बनाने के लिए ये भी सारा साफ होगा ये देखिए है मेरे किचन का हाल आज मैं बना रही हूँ बिरयानी बनाने का मूड था लेकिन मुझे लगता है बिरयानी मसाला और चीज़ें मेरे पास नहीं है तो हुआ तो ठीक है नहीं तो फिर पुलाव बनाना होगा क्योंकि मेरे पास चीज़ें ही पूरी नहीं है तो देखती हूँ चिकन निकाला है राइस भिगोती हूँ पहले इसको साफ़ कर लेती हूँ ये बर्तन रख लेती हूँ तो बस ये सारा किचन अभी उल्टा पुल्टा हुआ हुआ है <laughs> फटाफट से लगते हैं इनको साफ करते हैं सेट करते हैं आप जब किचन में आते हैं ना तो सबसे पहले आप जो है ना वो ये देखते हैं किचन जो है वो कितना क्लीन है और जब किचन साफ होता है चीजें थोड़ी सी अरेंज होती हैं और सेट की भी रखी होती है ना फिर आपका दिल भी चाहता है आप अच्छे मूड के साथ कुकिंग करें तो सबसे पहले तो मैं रख रही हूँ चने बॉइल करने के लिए सुबह मैंने नाश्ते के बाद इनको भिगो के रख दिया था तो ये मैं ऑलमोस्ट समझे डेली एक दिन छोड़ के बॉयल करती हूँ तो ये होता है कभी नाश्ते में बना लिए कभी शाम के टाइम चाय के साथ खा लिए तो इससे एक चीज़ बड़ी अच्छी होती है एक तो आपकी सेहत के लिए हेल्थ के लिए बड़े अच्छे होते हैं कुछ भी आप बनाते हैं इस तरह घर में स्नैक्स दूसरा ये होता है कि आपका बजट भी डिस्टर्ब नहीं होता आप ऊट पटांग नहीं खाते हैं तो चने वैसे हम दोनों को अच्छे भी बहुत लगते हैं और प्रोटीन मुझे लेना होता है तो इसलिए मैं चने लोबिया इस तरह की चीज़ें बॉयल कर लेती हूँ बस जी ये मैंने वैसे बेकिंग सोडा डाल के रखे थे सुबह को आ, पानी डाल के ना और इनको मैंने भिगो के रख दिया था तो फिर अभी मैंने अच्छी तरह से इनको दो तीन बार वॉश कर लिया दोबारा से इसमें एक चुटकी बेकिंग पाउडर थोड़ा सा नमक पानी डाल के इनको मैंने बॉयल करने के लिए रख लिया और ये बहुत जल्दी यहाँ पर बॉयल हो जाते हैं पाँच मिनट मेरे ख्याल में लगते होंगे थोड़े से ही होते हैं तो ये बहुत जल्दी हो जाते हैं उसके बाद मैंने यहाँ पर अपना चॉपर निकाला आज मैं बना रही हूँ जी चिकन बिरयानी और बड़े दिनों से बनाई नहीं थी बहुत दिल चाह रहा था तो मैं देख रही थी कि कहीं से कोई मुझे मसाले चीज़ें कुछ मिल जाएँ वैसे मेरे पास भी पूरी चीज़ें नहीं है घर के मसाले हों तो भी ठीक होता है लेकिन आ, मैं शान का जो है वो आ, सिंधी बिरयानी मसाला यूज़ करूँगी तो इसलिए मैंने चॉपर निकाला क्योंकि मुझे आज प्याज बहुत सारे चॉप करने थे तो इससे एक तो आपकी एफ़र्ट कम लगती है आपका टाइम भी बच जाता है और फटाफट से हो जाते हैं सैलड के भी और खाने के भी तो ये देखिए आप ये रेड वाले मैंने सेलेट के लिए काट लिए हैं पतले पतले बड़े मज़े के होते हैं अच्छा इसके अटैचमेंट मैंने बहुत ही बारीक वाली यहाँ पे यूज़ की है तो इसकी बाकी अटैचमेंट्स भी हैं लेकिन मैंने ये वाली यूज़ की है तो सेलेट के लिए मैंने पहले काट लिए इनको मैं नमक डाल के पानी में भिगो दूँगी अब उसके बाद मैं बिरयानी में ना वैसे तो प्याज़ मसाला ज़्यादा डलता है प्याज भी ज़्यादा डलते हैं लेकिन आप जब थोड़े से ज़्यादा प्याज डालते हैं तो बिरयानी का टेस्ट डिफरेंट आता है जब आप टमाटर ज़्यादा डालते हैं तो तब टेस्ट डिफरेंट आता है तो मैं आज वैसे तो ये दो प्याज हैं लेकिन इनको पतला पतला स्लाइस कर रही हूँ ना तो इस हिसाब से फिर ये आपको ज़्यादा लगेंगे दो से तीन प्याज मैंने डाले थे और दूसरा चावल मैंने लिए थे तकरीबन दो ग्लास बड़े वाले उसके साथ आधा किलो चिकन आधा बल्कि चिकन है तो अब आई डोंट नो वो कितना कम है ज़्यादा लेकिन आधा चिकन जो है वो मैं डाल रही हूँ और ये लास्ट पैकेट मेरे घर में रखा हुआ था चिकन का तो मेरा दिल चाह रहा था मैं मज़ेदार सी जो है ना वो बिरयानी रेडी करती हूँ तो ये देखें पतले पतले स्लाइस कर लिए इस तरह से एक तो मसाला बड़ा जल्दी बनता है फटाफट से रेडी हो जाता है और दूसरा देखें फौरन हो भी गए इसमें तो इतनी ज्यादा मेरी एफर्ट नहीं लगी और एक और चीज भी मैंने आज बनानी थी इसलिए मैंने कहा सारे काम आज चॉपर में जल्दी जल्दी से करते हैं प्याज मैंने ब्राउन कर लिए है यहाँ पे और बहुत ज्यादा मैं डार्क कलर नहीं देती हूँ क्योंकि फिर टेस्ट जरा चेंज हो जाता है आज इतने मज़ेदार बिरयानी बनी थी अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी तो मैंने थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट कर लिया था मैंने कहा चलो बना के रख लूँ फिर उसके बाद जब दिल चाहता है आप उसी टाइम खा लें गर्म करके खा लें लेकिन खाना बना हुआ हो ना तो बड़ा अच्छा लगता है और मुझे हाँ कमेंट्स भी आए थे कल भी कल परसों में पढ़ रही थी कि आपने जो मील प्लान किया था तो वो आपने क्यों नहीं दिखाया या क्यों नहीं शेयर कर रही तो इन शाला मैं करूँगी बस बीच में ये हुआ था कि जब आपको बताया था ना थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी तो बस जरा कुछ डिस्टर्ब चल रहा था सब कुछ फिर अब घर में कुछ चीज़ें भी खत्म हुई हुई हैं तो इन शाला तला जो चीज़ें हैं जैसी हैं वो आपके साथ शेयर करूँगी इसलिए ज़रा वीडियोस भी यहाँ पे मैं कम शेयर कर रही थी तो आप शेयर करूँगी इन तो यहाँ पे जी ये लिया है मैंने अच्छा इसका मैं बताऊँ कि ये मैं बड़ी खफा थी आज मैंने कहा बिरयानी तो ना मेरे पास ना मसाले हैं पूरे ना मेरे पास कोई पैकेट रखा हुआ है मैं क्या करूँ मैं ढूंढती रही जगह जगह स्टोरेज में किचन में फाइनली मुझे फ्रिज में जो है ना वो जो मैंने अटैच किए हुए हैं ना जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके अंदर मुझे ये मिल गया और मैं इतनी खुश हुई इतनी खुश हुई मैंने कहा शुक्र है आज मेरा इतना दिल चाह रहा था और आज मुझे ये बॉक्स मिल गया तो इसलिए ये मैंने डाला है वैसे मैं अपने मसाले भी जो होते हैं ना घर के वो भी डालती हूँ ये मैं टेस्ट के लिए डालती हूँ और मेरे पास अभी तक ग्राइंडर नहीं है ना तो इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ें मसाले पिसे हुए लेके आती हूँ अदरवाइज़ तो मैं शुरू से ही घर में ही हर चीज़ मसाले सब कुछ पीसती रही हूँ तो अब मैं सोच रही थी कि इन शाला मैं एक छोटा ग्राइंडर भी ले लूँ पाकिस्तान में था मेरे पास दो दो तीन तीन थे वो वहीं पर रख के आ गई तो यहाँ पर फिर मैंने आके लिया ही नहीं तो खैर देखेंगे इसका भी कोई हल निकालते हैं अब मैं आपको बता रही थी कि जो चॉपर मैंने निकाला था ना तो इसीलिए कि बहुत सारे काम हो जाएंगे गाजर मैं लेकर आई थी बिल्कुल फ्रेश है यहाँ पे ऐसी गाजरें मिलती हैं लेकिन हाँ ये बहुत फ्रेश बहुत ही जूसी आपको नज़र आ रही होंगी क्योंकि ये मैं ताज़ा ही बिल्कुल लेकर आई थी तो इसलिए मैंने कहा चलो आज थोड़ा सा मीठा बनाते हैं आज मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ ना तो ये मैं मीठा बनाऊंगी और ये आप यूँ समझें आप अपनी कैलोरीज़ में रह के या आप अपनी हेल्दी ईटिंग में हेल्दी स्टाइल में आप जो है ना इसको इंजॉय कर सकते हैं तो सबसे पहले गाजर जो है ना जैसे आप कद्दूकश करते हैं ना इसको सेम ऐसे मैं क्रिएट कर लूँगी अपने चॉपर में तो यहाँ पे मैंने गाजरें जो है ना वो इस तरह से ली हैं कि मैं जो मीठा बनाऊंगी तो उनको मैं दो तरह से डिवाइड करके बनाऊंगी अपने लिए मैं स्किम्ड मिल्क यूज़ उस्मान के लिए जो है ना वो मैं यूज़ करूँगी जो फुल फ़ैट होता है वैसे अब मैं सोच रही थी इन शी अभी तो घर में रखा हुआ है ना ये मैं यूज़ कर लूँ नेक्स्ट टाइम मैं बिल्कुल ही फुल फैट वाला मिल्क नहीं लेकर आऊँगी घर में क्योंकि दही भी सब कुछ मैं फिर स्किम्ड मिल्क में यूज़ करूँगी कोशिश करते हैं इन ट्राई करते हैं वैसे मैं तो अपने लिए लेकर आती हूँ लेकिन उस्मान के लिए या चाय के लिए दही के लिए मैं एक बॉटल जो है वो आ, फुल जो फैट वाला या होल मिल्क होता है ना वो यूज़ करती थी लेकिन अब मैं वो भी जो है ना वो वाला तौर आहिस्ता आहि चीज़ें चेंज होती हैं ना इंसान की तो अब मैं वो भी इन शाला तल जब नेक्स्ट टाइम अभी जाऊँगी ग्रॉसरी करने के लिए तो मैं फिर स्किम्ड मिल्क ही सारा लेकर आऊँगी घर में अच्छा जी तो यहाँ पर गाजरें मैंने कद्दूकश कर ली ग्रेड कर ली हैं और उसके बाद मैं थोड़ा सा पानी डाल के और इनमें डाल रही हूँ वैसे ये गाजरें खुद भी पानी रिलीज़ करती हैं तो इनको मैं पकने के लिए रख दूँगी लेकिन सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर चावल जो है वो बॉयल होने के लिए रख लेती हूँ ज़ीरा जो है वो यहाँ पर मैंने ऐड नहीं किया मैं वैसे लेकर आई थी लेकिन अभी वो रखा हुआ था मैंने कहा चलो जी ऐसे ही ठीक है ऐसे ही बनाते हैं आज मैं ना थोड़ी सी डिफरेंट बना रही हूँ आपको मैं अभी दिखाती हूँ और यहाँ पे फिर शाम का टाइम था मैंने शाम की चाय बनाई थी तो मैंने साथ जल्दी जल्दी से चने जो है ना जो बॉईल किए थे वो निकाले और उसमें मैंने आलू वगैरह कुछ नहीं डाले आलू भी मैं आजकल क्वांटिटी कोशिश करती हूँ थोड़ा से कम हो तो इसमें मैंने बहुत सारा सेलेड डाल लिया थोड़ा सा दही थोड़ा सा चाट मसाला डाल के मज़ेदार सी चाट बना के और अभी हम दोनों इन्जॉय करेंगे उस्मान को इतनी भूख लग रही थी ना तो वो मेरे साथ ठहरे हुए थे बल्कि वही कह रहे थे कि अभी तो खाने में काफ़ी टाइम है रात को खाएंगे तो मैंने इसलिए चने जो है ना वो बॉईल कर लिए थे और मैं बना के फ्रिज में रख लेती हूँ या यहीं पे रख देती हूँ ताकि जब भी हमें भूख लगती है या एज अ स्नैक जो है फिर वो हम इस तरह से खा लेते हैं कुछ न कुछ तो ये देखें चावल बॉयल हो गए मैं चावलों को बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करती हूँ क्योंकि मैं जब बिरयानी को दम देती हूँ ना मैं कम अज़ कम तीस चालीस मिनट का देती हूँ इस तरह से टेस्ट बहुत अच्छा आता है चावल के एक एक दाने के अंदर तक टेस्ट जो है ना वो चला जाता है और बड़े मज़े की जो दम में चावल खिलता है पकता है ना वो बड़ा अच्छा लगता है और तह लगा के और मैं जो है ग्रेवी बनाई थी कोरमा बनाया था वो डाल रही हूँ और साथ साथ मैं एक लेयर जो है वो चावलों की डालती रही उसके बाद मेरे पास ये रखे हुए थे जो फ्राइड ऑनियन होते हैं वो मैंने इसके ऊपर डाल दिए आज मैंने इसमें कोई आलू नहीं डाले वैसे अक्सर मैं आलू डालती हूँ अंडे डालती हूँ लेकिन आज इतने मज़े की बनी थी के कुछ डालने की ज़रूरत ही पेश नहीं आई तो मैंने कहा आज ऐसे ही बनाते हैं और इसमें मैंने हरी मिर्चें भी लेयर्स में भी डाल दी ऊपर भी डाल दी धनिया डाल दिया मैंने धनिया बड़ा अच्छा टेस्ट जो आता है ना दम में बड़ा अच्छा आता है इसका टेस्ट तो बस ये डाल के और अब इसके ऊपर मैं तीन मैंने कलर्स आज डाले थे रेड भी डाला था ऑरेंज भी डाला था और मैंने येलो भी डाला था क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ज़रा रंग बिरंगी सी मज़ेदार सी बिरयानी बनाऊँ जो देखने में भी अच्छी लगे और दही मैं ज़रूर डालती हूँ दम लगाते हुए दही से जो है ना खटास भी बड़ी अच्छी आती है टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है और दम बड़ा अच्छा आता है इससे तो यहाँ पे मैं फूड कलर डाल रही हूँ और ये बस मैंने ऊपर की जो लेयर है ना यहीं पे डाला था तो मैं तीन कलर्स जो है वो यहाँ पे डाल रही हूँ और देखने में इतनी अच्छी लगती है क्योंकि ना आप जब घर में बनाते हैं थोड़ा सा चेंज कर कर के बनाएं जो लुक में भी चेंज हो टेस्ट में भी चेंज हो तो वो बड़ी अच्छी लगती है आपको भी अच्छी लगती है आपके घर वालों को भी अच्छी लगती है और इसमें भी मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डाला लेकिन मैंने ज़्यादा क्वान्टिटी में इसलिए बनाई है कि बिरयानी बनाएँ तो थोड़ी सी ज़्यादा बनानी चाहिए क्योंकि आप एफ़र्ट करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है नेक्स्ट डे भी ज़रूर खानी चाहिए ख़त्म नहीं होनी चाहिए तो इसलिए मैंने थोड़ी सी ना यहाँ पे ज़्यादा बनाई है और हमने फिर नेक्स्ट डे भी बड़े मज़े से इन्जॉय की थी तो बस जी ये सारी चीज़ें डाल के दही से जो है ना स्टीम बड़ी अच्छी बनती है और दम बड़ा अच्छा आता है क्योंकि मैं ज़्यादा देती हूँ और मैं टाइमर जो है वो सेट कर देती हूँ तीस मिनट का या फिर चालीस मिनट का इस तरह से तो आराम से रिलैक्स होकर जो है ना वो दम आता है कोई टेंशन नहीं होती सुकून से मैं बनाती हूँ और हम इंजॉय करते हैं अब मैं आपको दिखाती हूँ जो मैं गाजर की स्वीट डिश बना रही हूँ तो पता नहीं ये गाजर की खीर है या गजरेला है या आप इसको क्या कहेंगे बस ये मैं बनाती रहती हूँ खुद ही और ये आप देखें ये वाली मैं उस्मान के लिए बना रही हूँ इसमें जो है मैंने होल मिल्क डाला है यूज़ किया है और चीनी भी डाली है अपनी मैंने चीनी भी नहीं डाली और स्किम्ड मिल्क जो है ना वो यूज़ की है तो थोड़ा सा मैंने ड्राई फ्रूट डाल दिया उस्मान के लिए मैंने इसलिए नहीं डाला मैंने कहा वो खाएंगे तो मैं डाल दूंगी अदरवाइज़ वो पसंद नहीं करते हैं उनको थोड़ा सा ज़रा सिंपल वाला टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है तो यहाँ पे ये देखें दोनों बन रही हैं इस तरह से आप अपने लिए अपने घर वालों के लिए भी बना सकते हैं और नेक्स्ट टाइम इन शाह तल जब मैं आपके साथ शेयर करूँगी और भी स्वीट डिशेज़ जो आप अपनी हेल्दी ईटिंग में हेल्दी कैलोरीज में आप अपनी जो है यूज़ कर सकते हैं खा सकते हैं इंजॉय कर सकते हैं तो फिर ये होता है आप चीनी जो है ना अपने लिए ज़्यादा ना डालें मैंने थोड़ी सी स्टीविया डाली थी इसमें उस्मान के लिए मैंने चीनी डाली थी वो मीठा ज़रा ज़्यादा पसंद करते हैं तो बस ये मज़ेदार सी डन हो गई थी और ये हमने फिर सारी तो नहीं खाई थी हाफ़ हमने हाफ़ हाफ, -हाफ खाई थी तो इस तरह से ये है कि ये भी मैनेज हो गई थी और बड़े मज़े की बनती है ये मुझे बहुत अच्छी लगती है दूध सारा पक जाता है ना खोए की तरह बन जाता है और बड़ा इंजॉय करते हैं उस्मान को भी ये बड़ी अच्छी लगती है तो बस ये थोड़ा सा इसमें था जो दूध था वो मैं ड्राई कर रही थी यहाँ पे आप इसको चाहें तो थोड़ा सा ऑयल या मक्खन या घी डाल के इसको भून भी सकते हैं लेकिन मुझे ऐसे ही थोड़ी सी सॉफ्ट टाइप की अच्छी लगती हैं तो इसलिए मैं ऐसे ही बनाती हूँ अब मैं आपको दिखाती हूँ जी बिरयानी कैसे बनी आज की और आई नो आपके भी मुंह में पानी आएगा और आज किस किस ने बनाई है मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा तो ये देखें बस अच्छी तरह से इसको यहाँ पे मैं मिक्स कर लूंगी और इसके बाद जो है ना मैं सर्व करूंगी तो वो जो रंग बिरंगी से कलर्स आते हैं ना वो कभी कभी बड़े अच्छे लगते हैं आपने आज क्या बनाया है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर बिरयानी बनाई है तो मस्ट कमेंट कीजिएगा मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप बताते हैं ना कि जो मैंने बनाया है आपने भी वही बनाया या आपके घर भी वही बनाया तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे तो खैर जी वीडियो कमेंट करती हूँ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अगर आपका भी मेन्यू जो है वो प्लान नहीं हो रहा डिसाइड नहीं हो रहा तो आप भी बिरयानी बनाएं इन्जॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह तला आप सबको खुश रखे अपना बहुत ख्याल रखिएगा और बस ये है हमारी आज की बिरयानी आपको मैं अपनी प्लेट भी दिखा देती हूँ और इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी अल्लाह हाफिज़